मैथ मेले की तैयारी वास्ते बहुत ही सिंपल ते बहुत ही अट्रैक्टिव ते यूजफुल वीडियो छेवीं क्लास के बच्चों लिए बहुत ही सिंपल ते बहुत ही यूजफुल वीडियो हो सकती है। ध्यान देखो कि ये मैं संपूर्ण संख्यावां दे जोड़ बारे छेवीं क्लास के बच्चों सिखाने की कोशिश की है, जिदे असी संख्या रेखा दी यूज करांगे। संख्या रेखा राही संपूर्ण संख्यावां नूं कीवें जोड़िया जा सकता है। देखो मैं सब तो पहले एक चार्ट दे उते अपनी एक्टिविटी का नाम लिखा है। इत्थे एक सिंपल जी पॉकेट बनाई है जिस विच मैं क्वेश्चंस दी स्लिप्स रख सकदा। एक धागा लगाया गया है जिदे विच एक एरो नूं मूवेबल एरो बनाया गया है ते एक नंबर लाइन लिखी गई है। बस इस तो अलावा कुछ नहीं किया गया इस एक्टिविटी दे विच। ये नंबर जिहड़ा एरो है ये जीरो ते स्टैंड करता है। जदों इस बच्चे नूं क्वेश्चन दिता जांदा है ते उस बच्चे ने सब तो पहले इस क्वेश्चन नूं उठाना हुंदा है। तो हुण इस क्वेश्चन दे विच सब तो पहला बच्चे ने की करना है, पहला अक्षर पढ़ना है जो किन्ना है माइनस चार। तो बच्चे ने इस एरो नूं माइनस चार वल लैके जाना है पिछे वालों। एक दो तीन चार, बच्चा देखो माइनस चार वल पहुँच चुका है। याद रखना है जो माइनस लई आपां पिछे जाने हाँ तो प्लस लई असीं अगे चले जाने। हुण बच्चा ऑलमोस्ट चार ते बैठा है तो हुण उन्हें अगे अक्षर देखा सत्त प्लस दा, इहदा मतलब हुण बच्चा सत्त कदम अगे वल तुरेगा। तो देखो बच्चा हुण एक कदम तुरिया, फिर दो तीन चार पाँच छे सत्त। तो इस तरह बच्चे नूं पता लग गया कि उसका जिहड़ा पहले सवाल का जिहड़ा आंसर है वह तीन आएगा। तो बच्चा इस पहले सवाल के आंसर नूं दिख देगा तीन। तो तुसीं देख सकते हो कि किस तरीके नाल बच्चे नूं संख्या रेखा राही जोड़ घटाओ करन दा मौका मिलिया। फिर आप किसी होर बच्चे बुलावांगे तो उसनों कहांगे बेटा जी आज दूजा क्वेश्चन सॉल्व कर, तो फिर वापस इस एरो नूं अपनी वापस सेम पोजिशन जीरो पर खड़ा कर देंगे। हुण दूजा बच्चा भी सेम वो की करेगा, सब तो पहले देखेगा प्लस का चार है, इहदा मतलब प्लस का मतलब अगे जाना है। वो चार कदम अगे नूं जाएगा, देखो एक कदम दो कदम तीन कदम तो चार कदम। हुण वो चार कदम अगे जा चुका है, उस तो बाद उसने दूजे अक्कर नूं देखिया तो वह माइनस पाँच सीगा, इहदा मतलब हुण उन्हें पाँच कदम पिछे नूं जाना है। तो एक कदम दो तीन चार ते पांच, इस तरह उसनों पता लगा कि इस क्वेश्चन का जिहड़ा आंसर है माइनस एक आएगा। इस तरह छोटा बच्चा संख्या रेखा राही जोड़ ते घटाओ दे सवाल बहुत ही अट्रैक्टिव वे नाल ते उसनों इंजॉयबल तरीके नाल कर सकता है। उम्मीद है तुहानूं इस एक्टिविटी नाल बहुत सीखण नूं मिलिया होएगा ते बहुत ही अट्रैक्टिव एक्टिविटी है। हुण सैकेंड एक्टिविटी एक होर तुहानूं इस वीडियो दे विच शो करूँगा, ध्यान नाल देखना है। तो तुसीं इस तरह की बहुत एक्टिविटीज़ बना सकते हो। मेरी नैक्सट एक्टिविटी का नाम है परिमाप पता करना, तेलियां दी गिनती राही परिमाप नूं पता करना। इस एक्टिविटी दे राही बच्चा परिमाप दे कंसैप्ट नूं समझ लैंदा है। देखो ध्यान नाल, मैं इत्थे एक आयत बनाया है, पंचभुज बनाया है, पंचभुज जिहदी पंज भुजावां हुंदियां ने, एक त्रिभुज बनाया है तेलियां दी मदद दे नाल। एक तेली नूं एक मंदे होए असी उसका परिमाप पता करांगे। असी बच्चे नूं कहांगे कि भई आ आयत है जो इत्थे दो तेलियां ते इत्थे तीन तेलियां फिर दो ते फिर तीन तेलियां दे राही बनाया गया है, तो एक तेली नूं एक एक मंदे होए इस आयत दा परिमाप पता कर। ते बच्चे नूं दस्सांगे कि बेटा तू सारी तेलियां गिननी है, मतलब आ पूजा जमा आ वाली पूजा जमा आ वाली पूजा ते जमा आ वाली पूजा, सारियां पूजावां दे जोड़ कर दिए तो सानूं की मिल जांदा है, परिमाप मिल जांदा है। तो छोटा बच्चा छेवीं क्लास का बच्चा बहुत ही जल्दी अंडरस्टैंड करेगा कि वाकई एक जमा एक दो तिलियां, तीन चार पांच तिलियां, छे सत्त अठ नौ दस, तो यदा मतलब इस आयत का जिहड़ा परिमाप होएगा वो दस होएगा। तो बच्चे नूं एक कंसैप्ट क्लीयर हो रहा है कि एक आयत का परिमाप पता करन लई उस दियां सारियां भुजावां नूं जोड़िया जा सकता है। इस तरह असीं गल करिए पंज भुज दी, तो इहदे विच तुसीं देख सकते हो कि असी एक दो तीन चार ते पंज तिलियां नूं यूज़ कीता है। इहदा मतलब इत्थे जिहड़ा परिमाप है पंज भुज दा वह पंज होएगा। तो इस तरह ही त्रिभुज दे वल चलदे हां, तो इस त्रिभुज नूं बनाउण लई एक दो तीन चार पंज छे तिलियां दी यूज़ कीती गई है। दो तिलियां इधर है, दो इधर, दो इधर, इहदा मतलब ये समभुजी त्रिभुज है जिस दियां सारियां भुजावां
बराबर होणगियां ते इस दा परिमाप पता करन लई असीं की कर रहे हैं तिने भुजावां नूं जोड़ कर रहे हैं ते इस नाल बच्चे दा परिमाप दा कंसैप्ट जिहड़ा है बहुत ही वधिया तरीके नाल क्लीयर हो रहा है। इस ए एक्टिविटी भी बहुत ही सिंपल ते बहुत ही यूजफुल होवेगी। इस तो अगली एक्टिविटी भी देखो, इसी वीडियो दे विच तीजी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। इस एक्टिविटी च देखो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, भुजावां ते कोणां दे आधार ते त्रिभुजां दा वर्गीकरण किया गया। कुछ भी नहीं किया, बस एक चार्ट लिया है, उहदे विच एक समभुजी त्रिकोण बनाया गया है, एक सम दो भुजी ते एक विखंभुजी, तीन तरह के जिहड़े त्रिभुज होंदे ने असीं उह बनाए ने। इहदे विच असीं दिखाया है कि ये न्यून कोणी त्रिकोण है क्योंकि इसके सारे कोण 90 डिग्री तो छोटे होंगे ने, इस करके इसनों समभुजी त्रिभुज भुजावां के आधार से ते न्यून कोणी त्रिकोण कोणों के आधार से कहा जाता है। इस तरह इसकी गल करिए समकोणी त्रिकोण की, यह सम दो भुजी क्यों है क्योंकि इसदियां दो भुजावां बराबर ने, तो यह समकोणी क्यों है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। यदा मतलब सानू यह पता लगता है कि जेकर किसी त्रिभुज दियां दो भुजावां बराबर होण तां उहनूं सम दो भुजी, तो जेकर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होवे तां उसनूं समकोणी त्रिकोण कहा जाता है। तो अगला देखो तुसीं ध्यान नाल, यह हैगा विखंभुजी क्योंकि इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हैगी, लेकिन इसका जिहड़ा एक कोण है वह नब्बे डिग्री तो वड्डा है, इस करके इसनों अधिक कोणी त्रिकोण चां ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल भी कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके ना बच्चे नूं समझाया जा सकता है कि एक समभुजी त्रिकोण जिहड़ा है वह एक्यूट एंगल जां न्यून कोण त्रिकोण ही हुंदा है क्योंकि उसके सारे कोण 90 तो छोटे होंदे ने। तो समकोणी त्रिकोण दे विच एक कोण 90 हुंदा है, इस करके उसनों समकोणी त्रिकोण कहा जाता है। लेकिन सम दो भुजी त्रिभुज जरूरी नहीं कि समकोणी होवे, समभुजी त्रिभुज उही त्रिभुज होएगा जिस दियां दो भुजावां बराबर होणगियां। तो इस तरह इस एक्टिविटी राही असी सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ बना के बहुत ही वधिया तरीके नाल पढ़ाई कर सकते हैं। जेकर वीडियो वधिया लगी होवे जरूर लाइक करना है, जरूर कमेंट करया करो, तो वध शेयर करो इस वीडियो नूं तां जो सारे विद्यार्थियों नूं इदां दी वीडियोज़ बारे एक्टिविटीज़ बारे पता लग सके। तो नाल नाल मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करना ना भूलो क्योंकि उस मेरे चैनल ते ये एक्टिविटीज़ दी वीडियोज़ ही नहीं बल्कि तुहाडे मैथ विषय दे हर चैप्टर दे हर एक्सरसाइज दे क्वेश्चंस दी वीडियोज़ भी अवेलेबल है, बहुत ही सौखे ढंग नाल समझाया गया है, एक बार जरूर विजिट करना है तुसीं।